हेलो गाइस, हम बात करने वाले एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के बारे में। ठीक है, एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के बारे में, इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब ये अगर इतने में आप लाइक कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मैं सो सिलेक्शन मान लीजिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिकल के लिए ही है। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कट ऑफ जैसे कि मंडे को था, आप लोगों का पेपर था। ठीक है, इसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है, आप लोगों ने अपना मिला ही लिया होगा कितना कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, तो जैसे कि ये फाइनल आंसर की है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जनरल कैटेगरी की हम बात कर लें कि कितने से कितना अगर आप स्कोर करें तो सेफ है। ये अगर लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं आप ओबीसी की बात कर लें तो आप इतना अगर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, जनरल में 80 से 90 अगर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो सेफ हैं। ओबीसी की बात कर रहे हैं, अगर 75 से 80 ला रहे हैं तो सेफ हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, थोड़ा सा बस वेरिएशन रहेगा। ठीक है, और वही बात करें, इसका मतलब ये किसके बीच में कोई भी जाए, 81, ठीक है, 82, 83, 84, ठीक है, इस एग्जांपल से लेते हुए 89, 90 तक इसके बीच में लाइक कर रहे हैं तो मतलब अपने को सेफ मान लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरह सब में है। उसके बाद से ओके, इसका हो गया। ठीक है, उसके बाद से हम एस सी एस टी और बात कर लेते हैं। एस सी की बात कर ले तो हम 70 से 80 के बीच में रहने वाला है। एस टी की बात कर लें तो 68 से 78, ठीक है, ये स्कोर रहेगा। और हम बात कर लें अगर हैंडीकैप की, पी एच की, तो पी एच में वही समझ लीजिए 65 से 75, ये स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए आपका जो है सिलेक्शन श्योर है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा ये रीज़न ये है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो नो निगेटिव मार्किंग है तो बेसिकली आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन उनको फ़ायदा मिला जिन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। क्वेश्चन को स्किप नहीं करने का मतलब आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि छोड़ने पर अगर कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको करने से ही फ़ायदा मिलता है। इसलिए ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इतना स्कोर आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन को आप डन समझिए। ठीक है, डन समझिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।